नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जिन्हें बहुत ही कम उम्र में एक खास इच्छा हुई और उम्र और वक्त के साथ ये शौक पैशन में बदल गया, और पैशन भी ऐसा कि जो मन में ठान लिया उसे पूरा ही किया। मैं बात कर रही हूँ देश के पहले शाओलिन वॉरियर की, जो चीन के प्राचीन मठ जाकर शाओलिन की ट्रेनिंग लेने वाले पहले भारतीय हुए। चीन के शाओलिन टेम्पल में 6 साल की तपस्या के बाद कनिष्क 31st जनरेशन शाओलिन वॉरियर बनकर भारत वापस आए। बचपन से शर्मीले कनिष्क नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नए उत्साह के साथ वतन लौटे और शाओलिन में रुचि रखने वाले लोगों को इसमें ट्रेनिंग देने लगे। MNC की नौकरी छोड़ पहुंच गए चाइना के शाओलिन टेम्पल। 6 साल की जी तोड़ तपस्या के बाद नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास, नए उत्साह के साथ वतन लौटे कनिष्क शर्मा, देश के पहले 31st जनरेशन शाओलिन वॉरियर मॉन्क बनकर। आज हमारे साथ हैं इंडिया फर्स्ट शाओलिन वॉरियर। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि शाओलिन वॉरियर क्यों कहते हैं। सर, शाओलिन वॉरियर क्यों कहते हैं? शाओलिन चीन के प्राचीन मठ में से एक कुंफू का मठ माना जाता है, जिसको हिंदुस्तानी बुद्धिस्ट मंक बातुओं ने शुरू किया था 6th सेंचुरी में, और 6ठी शताब्दी के आखिरी में एक और हिंदुस्तानी बुद्धिस्ट मंक गए थे जिनका नाम था बोधिधर्मा। बोधिधर्मा ने वहाँ पे 18 ब्रीदिंग एक्सरसाइज 18 लोहान चीगोंग स्टार्ट किया, और 5 एनिमल्स जो थे टाइगर, क्रेन, लेपर्ड, स्नेक, मंकी, इनको मिला के उन्होंने ब्रीदिंग प्रोसेस डेवलप किया। उस प्रोसेस से होते 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 उन्होंने पहला फॉर्म डेवलप किया, द 18 हैंड्स ऑफ लोहान। लोहान एक वर्ड है जिसको संस्कृत में अरहत कहते हैं। अरहत मीन्स एनलाइटेंड मंक। तो 18 एनलाइटेंड हैंड्स उन्होंने बनाया। शाओलिन में भी नॉर्थ शाओलिन है और एक साउथ शाओलिन है। साउथ शाओलिन का भी बताऊंगा तो 18 लोहान कैसे बना था। तो ये मंक्स अपने आप को, क्योंकि शाओलिन टेम्पल सिल्क रूट का पार्ट था, जंगली जानवर बहुत अटैक करते थे उस वक्त जंगल में, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने फाइटिंग करने के मेथड्स निकालने शुरू हुए। और जब टैंग एम्परर को 13 मंक्स ने बचाया, उसके बाद इनको वॉरियर मंक्स की उपाधि मिली गई कि उन्होंने लड़ाई की और इन 13 मंक्स ने स्टिक के द्वारा टैंग एम्परर को बचाया था। बहुत फेमस मूवी थी जेटली की, आई थी शाओलिन टेम्पल, द 13 मंक्स सेव्स द टैंग एम्परर। उसके नाम से तब से 2 डिवीजन हो गए, एक शाओलिन फुल्ली इंडोक्ट्रेटेड मंक्स है जो टेम्पल के अंदर रहते हैं, शादीशुदा नहीं है, सेलिबसी फॉलो करते हैं, दूसरा वॉरियर मंक्स है, फाइटिंग मंक्स है जो फाइटिंग करते हैं। आई एम 34th जनरेशन वॉरियर ले मंक, अ सेक्युलर डिसाइपल। भारत से चीन कैसे पहुंच गए आप? मैंने बेबी 7 साल का था, तो मैंने मूवी देखी थी 36 चैम्बर्स ऑफ शाओलिन। वो मूवी देख के मैं हमेशा अपने पिताजी को कहता था मुझे शाओलिन जाना है, शाओलिन ही सीखना है। बल्कि उस वक्त वहाँ पे इंडिया में कोई शाओलिन सिखाता नहीं था, इसलिए मैंने कराटे से स्टार्ट किया, ओकिनावा गुजरी, फिर मैंने कुंफू तुआ किया, हिंदुस्तानी कलरी पैट किया, और सन 2000 में मैंने MBA किया अपना, वापस आया जॉब की, और 2000 के आखिर में मैंने रिज़ाइन करके शाओलिन टेम्पल जाने का डिसीजन ले लिया कि आई शुड डू समथिंग विच आई लव डूइंग। शाओलिन सीखने के पीछे आपका मकसद क्या था? कोई खास पर्पस था, कोई खास एम था, या फिर आपका अपना शौक है केवल? मैं बताया ना, हर आदमी की लाइफ में एक एक ड्रीम होता है। कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, कोई सबसे बड़ा जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है। मैं शाओलिन टेम्पल जाना चाहता था। वो मूवी ने मुझे इतना फैसिनेट किया कि मेरी लाइफ में शाओलिन बहुत ज़्यादा मायने रखता था। तो अल्टीमेटली जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने अपने आप को देखा, एंड देयर वाज नथिंग एल्स आई कुड हैव आस्क्ड फ्रॉम गॉड। शाओलिन सीखने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? अगर आप मेरे स्कूल टीचर से पूछेंगे तो मैं बहुत शाय, बहुत टिमिड किस्म का
लड़का था, पीछे बैक बेंचर था, आगे स्टेज में आके कभी बोलता नहीं था। पहला चेंज आया कि आज मैं 300, 500, 600, 700 लड़कों के लड़कियों का सेमिनार लेता हूँ, इंटरनेशनली जाके सेमिनार्स लेता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ। एक लाइफ में एक अलग कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो आया, एक स्पिरिट, एक मार्शल आर्ट्स के प्रति जो एक वे ऑफ लाइफ है वो समझने का एक तरीका जो मेरे अंदर आया, और ये डिसिप्लिन हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट्स दे सकता है आपको। मार्शल आर्ट्स बेसिकली ये सिखाता है कि दूसरों पे वॉर कैसे करना है, या फिर ये सिखाता है कि आपको कैसे बचना है। मार्शल आर्ट्स एक चाइनीज शब्द से निकला है, वो मतलब मार्शल, ये मतलब द वे टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट बाय कोऑर्डिनेटिंग योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट टुगेदर। इसका मतलब ये है कि वी लर्न टू फाइट सो दैट वी डोंट फाइट। मैं अपने आप को बचाना जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं सड़क में चलते हर आदमी को मार दूँ। मार्शल आर्ट्स सबसे पहले बना था आपकी हेल्थ के लिए, ताकि आपकी लॉन्ग लाइफ हो, आपको कोई बीमारी नहीं हो, आपकी मसल्स अच्छी हो। दूसरा, आपने देखा है कि जब हम टेक्निक करते हैं हमारा स्टूडेंट गिरता है, लेकिन वो गिर के वापस खड़ा होता है। तो पहली शिक्षा मार्शल आर्ट से ही मिलती है कि इस लाइफ में आप 100 बार गिरेंगे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, आपके लाइफ में इमोशनल क्राइसिस आएगी, हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, टीचर स्टूडेंट के बीच में प्रॉब्लम आती है, बट यू हैव टू स्टैंड अप अगेन एंड वॉक थ्रू दैट लाइफ। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ मार्शल आर्ट्स, दैट नेवर गिव अप, कीप वॉकिंग। वापस लौटते हैं सर शाओलिन पे, शाओलिन के फॉर्म्स के बारे में बताएं। शाओलिन क्या है इसके बारे में बताएं। शाओ मतलब स्मॉल, लिन मतलब फॉरेस्ट। शाओलिन में दो फॉरेस्ट रेंजेस हैं, शाओशी और दाओशी। शाओशी छोटी पहाड़ है, दाओशी बड़ा पहाड़ है। शाओशी की वैली में जो टेम्पल बनाया गया था उसको शाओलिन फॉरेस्ट बोला गया था। छोटी पहाड़ी के जंगल में जो टेम्पल बना वो बना शाओलिन, दिस लिटिल फॉरेस्ट टेम्पल वॉज कॉल्ड शाओलिन टेम्पल, ये उस टेम्पल का मतलब है। लेकिन आज इट बिकेम द बिगेस्ट सेंटर ऑफ कुंफू। शाओलिन मंक्स जो रियल मंक्स हैं, बहुत फ्रॉड मंक्स भी हैं, और जो रियल मंक्स हैं, फाइटिंग मंक्स हैं, दे आर वेरी वेरी टफ मेंटली एंड फिजिकली, दे आर वेरी टफ, बट उनके चेहरे से आपको सिर्फ कामनेस दिखेगी। वहाँ पे मेरी सबसे पहली शिक्षा जो थी मुझे मेरे मास्टर दंग जावलियन ने दी थी। दंग जावलियन के बाद मेरे को शिहन जुन, जो मेरे मास्टर हैं, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। उसके बाद मेरे को शी सुशी जो थे ऑनररी एबट ऑफ शाओलिन टेम्पल, उन्होंने मुझे लिया बिकॉज मेरे मास्टर मुझे उनके सामने टेस्ट कराने ले गए। ही वॉज द लेजेंड ऑफ शाओलिन टेम्पल एक्चुअली, सुशी। सुशी के बाद जो मेरे गुरु उसके बाद बने, क्योंकि मेरे मास्टर शी एंगजुन फ्रांस चले गए, तो वहाँ पर मैं फिर शिंगशाओ जो मेरे गुरु हैं उनसे मैंने सीखा। उसके बाद यान फेंग और यान जी जो मेरे गुरु हैं, जो नॉर्थ शाओलिन टेम्पल्स हैं। हालांकि जो साउथ शाओलिन टेम्पल है, एक बहुत बड़ी कहावत है, द नॉर्दर्न लेग्स, नॉर्थ की टांग, साउथ का हाथ, द सदर्न हैंड, बहुत ही फेमस कहावत है। और वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ में बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो सब जैकेट पहन के रहते हैं, सो दे किक वेरी फास्ट। साउथ में पानी बहुत होता है एंड दे कैन नॉट मूव, सो दे प्रैक्टिस ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिस करते हैं और स्टिक होके लड़ते हैं, बिकॉज दूर जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ से पहला सिस्टम निकला था वुजू। शाओलिन टेम्पल जब जला था तो 5 मंक्स वहाँ से भागे थे, वो 5 मंक्स 5 अलग अलग स्टाइल प्रैक्टिस करते थे शाओलिन टेम्पल के। लोहान चुआन, दामो स्टाइल, आपका मंकी स्टाइल, क्रेन स्टाइल, तो ये 5 अलग अलग स्टाइल्स को मिला के इन्होंने बनाया 5 एंसेस्टर बॉक्सिंग, वुजू चुआन और निगोर चो। वुजू से इन्होंने निकाला सदर्न शाओलिन, 18 लोहान, स्प्लिटिंग बैम्बू टैक्टिक्स, उससे निकली विंचुंग। विंचुंग मैं अपने शाओलिन इंडिया के सबसे सीनियर इंस्ट्रक्टर को बुलाऊंगा, तो मैं उनके साथ आपको करके दिखाऊंगा कि ब्लाइंड फोल्ड होके हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं। पंच मारा और मैंने रोका और मैंने इन्हें पंच मारा, हम दोनों के हाथ फंस गए, क्योंकि कीचड़ है तो किक नहीं मार सकते। यहाँ से ड्रिल स्टार्ट होती है चीसा, बिकॉज मैं इनको फील करता हूँ। तो सबसे पहले ड्रिल है दोन चीसा, जैसे इनका हाथ यहाँ पे लगा दिया ट्रेनिंग के लिए, मैं इनको पुश करूँगा। अभी मुझे पंच कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन
चीसा होता क्या है, अब जैसे मेरे हाथ है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को टच करें, मेरी आँख बंद है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट सो आई सी फ्रॉम द टच एंड आई डोंट सी फ्रॉम द आइज, तो मैं चाहता हूँ कि अरुण मुझे कहीं पे भी पंच मारे, सर टच करें, कहीं से भी मेरे को मारने की कोशिश करेंगे, तो ये ड्रिल है सॉफ्टनेस यील्ड्स हार्डनेस। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप ही से करवाता हूँ, आप ही हाथ रखिए, एक हाथ इधर रखिए और ये टाइट है, ओके आप मुझे धक्का दीजिए पूरी ताकत से और दीजिए और पूरी ताकत से धक्का दीजिए, मैं पीछे जा रहा हूँ ना तो बिकॉज मैं हार्ड हूँ, अभी धक्का दीजिए आप दीजिए और दीजिए। तो पावर जो है वो होती है स्पीड गुणा मास, मास तब आता है जब हाथ आपका ढीला हो जाता है, तो पावर जो है वो होती है स्पीड गुणा मास, मास तब आता है जब हाथ आपका ढीला हो जाता है। तो ये प्रोसेस ची साओ, डॉन ची साओ, ब्रॉन्ग साओ, लॉप साओ और डबल हैंड स्टिपिंग से ये निकल के आता है। ये जो फॉर्म बना था 18 लोहान जिसमें बहुत सारे क्लोज क्वार्टर फाइटिंग मूवमेंट है, बार बार इस तरीके के हैंड मूवमेंट जो आपको नॉर्थ में नहीं दिखेंगे, उसका जैसे मैं आपको एक मूवमेंट दिखाता हूँ, ये मूवमेंट का हर एक एप्लीकेशन ये है, जैसे उन्होंने पंच मारा दो हाथ, मतलब उनकी आँख काटी फिर आँख काटी, इन्होंने रोका वो आँख काटी फिर रोका फिर आँख काटी, वो नॉन स्टॉप टच 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 करते 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 यू हैव टू गेट इनसाइड द पर्सन, उसकी सेंसिटिविटी फील करके ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इस तरह शाओलिन जो फॉर्म्स हैं वो अभी कम से कम प्रिजर्व 80 फॉर्म है शाओलिन टेम्पल में, उसके बाद 18 वेपन्स आते हैं, मैंने कुछ आपको करके दिखाए, यिनशो गोन, युआचुआन, स्पीयर, 9 सेक्शन विद चेन, ये अलग अलग वेपन्स हैं, 18 वेपन्स हैं, उसके बाद चिन्ना ब्लॉकिंग सिस्टम जो अभी हमने करके दिखाया। तो जैसे अगर मैं आपका रिस्ट पकड़ लेता हूँ और आपको अगर छुड़ाना है तो आप कैसे छुड़ाएंगे इसको? Probably by moving my hand. No. Simple science. मेरा दरवाजा कहाँ है? ये है, आप उंगली खोलिए और सांप की तरह हाथ को कॉल करिए, इधर क्यों आप पकड़िए, कॉल आउट, मैंने पकड़ा कॉल आउट, तो ये 36 नेगेटिव लॉकिंग सिस्टम, 72 पॉजिटिव लॉकिंग सिस्टम्स एंड 32 शाओलिन साइंस और लॉकिंग सिस्टम्स शाओलिन में। एक चीज़ आपको जो हमने नहीं दिखाई थी यहाँ पे वो है शाओलिन टेक डाउन, शाओलिन रेसलिंग बहुत डेंजरस है, जो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं टेक डाउन से बहुत हैवी थ्रोज हैं करने के लिए, क्योंकि शाओलिन पूरा प्रेशर पॉइंट्स पे इस आपके आर्म से लेके यहाँ तक हर जगह प्रेशर पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे हमारे, अगर ये मुझे पकड़ते हैं यहाँ से पकड़िए, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग बट आई ग्रैब हिम, ही लीव्स मी, ग्रैब अगेन, आई ग्रैब हिम, ही लीव्स मी, ही ग्रैब्स माय कॉलर, आई ग्रैब हिम, He leaves me. He grabs my neck. I grab him. He leaves me. Pressure points are very very important. Similarly, जैसे ये pressure point है बहुत common है, बहुत आगे दिखाते हैं TM joint. It's a very pressure point. अगर आप common pressure point अगर आप यहाँ पे किसी के मार देंगे jaw will come out. पूरे शरीर में बहुत सारे आपको pressure points दिखेंगे. Similarly, जैसे any kick. See, he gives me a kick, I parry out, femoral artery, press the point. So, effort is very little when you do Shaolin Kung Fu. Soft yet very hard. So, that is the whole philosophy of Shaolin. Fulcrum ko kaise break karte hai, wohi yahan pe sabse aadha sikhaya jata hai. So, here, ye fulcrum break karna, bachpan mein sab log karte hai, agar aapne dekha hai. ये आके पीछे से लात मार दी तो घुटना नीचे हो गया, तो अगर मुझे इस आदमी को गिराना है आई विल डू द सेम थिंग जो आप बचपन से करते हैं। आप बच्चों को सिखाते भी हैं जी? किस तरह के लोग आपके पास सीखने के लिए आते हैं शाओलिन? सब छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, आप लोगों के एज के भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो सबका इंटेंशन अलग अलग होता है सीखना। हाँ। कोई सेल्फ डिफेंस सीखना चाहता है, कोई मार्शल आर्ट्स एज ए फिलोसफी की तरह सीखना चाहता है, कोई सिर्फ कॉम्बैट सीखना चाहता है, तो बट एक प्रोसेस है। 5 से 15 साल के बच्चों को ज़्यादा हिटिंग नहीं कराते, उनका बेसिक
मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर प्रोग्राम उनके लिए बनाया गया। लड़कियों के लिए अलग प्रोग्राम है। वुमेन एम्पावरमेंट में मैं बात करूंगा, जैसे आपके नेल्स हैं, आपके नेल्स को यूज़ करना, जो वुमेन्स की पावर्स हैं वही पावर यूज़ करते हैं। वुमेन को ये सिखाते हैं चीसाओ, वुमेन को ये, बिकॉज इफ आई एम सॉफ्ट और एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग है। अगर आप इसको देखेंगे, सिर्फ आदमी को डिसबैलेंस करने के लिए मेरे को अपना आपकी प्लेसमेंट, अगर मैंने एक्चुअली कुछ किया नहीं, बट आई जस्ट मूव इन साइड और रिस्ट वेरी ग्राफ्स में कॉल है किसी दिस। कैन एक्चुअली डिसलोकेट द जॉइंट इवन व्हेन ही इज पंचिंग मी, यू सी पूरा जॉइंट सब कुछ निकल के हाथ में आ जाता है आदमी का। सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस प्रोसेस टू डू। और आर्मी वालों के लिए एक दूसरा सिस्टम जो मैं करता हूँ वो पिकिरी टर्शिया काली, जो शाओलिन से अलग है, तो वो सिर्फ आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के लिए सिखाता हूँ। और ये पुलिस वालों को सिखाते हैं, आपको पास हथकड़ी नहीं है, और क्रिमिनल को आजकल ऐसे लेके जाते हैं, ज़रूरत क्या है उसको, बस इतना मोड़ लीजिए तो वो कहीं भाग ही नहीं सकता कोई भी क्रिमिनल। विल स्टे विद यू। द टच जो हम प्रैक्टिस करते हैं शाओलिन, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, सी दिस फीनिक्स और दिस और इवन दिस, दे हिट हिम हियर, द पर्सन विल कोलैप्स राइट नाउ देयर एंड देन, सांस लेनी मुश्किल हो जाती है आदमी की। इस तरह के प्रैक्टिसेस जो भी सीखते हैं आप चाइना जाकर सीख कर आए हैं, और हमारा वहाँ खान पान अलग होगा सीखने के दौरान, हाँ। यहाँ नॉर्मल लोग, हम जैसे लोग या साधारण लोग सीखने आते हैं, तो क्या उनको सीखने में कोई परेशानी नहीं होती उनकी अपने लाइफ स्टाइल होने की वजह से? यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं होती, बिकॉज हिंदुस्तान में तो लोग हफ्ते में 3 बार 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आते हैं, और उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं कराते। बाकायदा अगर शाओलिन की ट्रेनिंग अगर आप देखें तो 6-7 घंटा एक दिन में करना कोई आसान काम नहीं है। पहला तो ये माबू या जामा कहते हैं, इस पोजीशन में 2 घंटे तक बैठना, ये तो सबसे पहली एक्सरसाइज है। लोग तो 4 मिनट बाद लोगों की टांगें कांपने लगती है इस पोजीशन में। तो आपके लिए ये सिखाना कैसे पॉसिबल हो पाया? ये कराते नहीं बच्चे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कराते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कराते, बिकॉज हिंदुस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं कि आप बच्चों को हार्ड एक्सरसाइज करा रहे हैं, बच्चे का दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन जो डेडिकेटेडली सीखना चाहते हैं, जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो वो हर पेन लेके सीखने, बिकॉज विदाउट पेन देयर इज़ नो गेन। चीगोंग करते हैं, चीगोंग का एक सेट मैं आपको करके दिखाता हूँ। यीजिन सिशुई गोंग चीगोंग का, विच इज सेट दैट अगर इसके 8 पोस्चर्स आप प्रैक्टिस करें, ऑलमोस्ट बेनिफिट 120 योगासन के बराबर होते हैं। इट कैन क्योर कैंसर, हेपेटाइटिस सी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड वेरियस अदर डिजीजेस इन योर बॉडी। इसका एक सेट मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये है मूविंग मेडिटेशन। स्टील वाटर ख़राब होता है, मूविंग वाटर साफ होता है, फ्रेश होता है। तो ज़्यादा देर तक अगर आप देखें, आप आलती पालती मार के बैठेंगे फिर आपके घुटने दर्द कर जाते हैं। बट मेडिटेशन इन मोशन हेल्प्स यू टू अचीव कामनेस इन मोशन। आप बंद कमरे में बैठ के ध्यान करें, आप बोले मैं तो बहुत काम हूँ, ऑफकोर्स यू कैन बी काम, बट अगर सड़क में चलते हुए आप मुड़े और बगल में DTC बस का हॉर्न बज जाए तो लोगों की सारी मेडिटेशन भंग हो जाती है। सो वी डू मेडिटेशन इन नेचर इन केओस बट वी स्टिल स्टे काम। तो ये आजकल के लाइफस्टाइल के लिए बेहतर मेडिटेशन सबसे, हाँ कॉर्पोरेट के लिए हम बनाते हैं जिसको हम परफेक्ट कॉर्पोरेट हेल्थ बोलते हैं। आप टेबल में बैठ के इन कपड़ों में कर सकते हैं, आपको योगा मैट्स नहीं चाहिए ये सब करने के लिए, बिकॉज इट इज़ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इसी ये है सॉफ्ट चीगोंग। हार्ड चीगोंग क्या है, जिससे हम प्रैक्टिस में अपने सर से आयरन की बार तोड़ते हैं, लोहे का रॉड तोड़ते हैं। आप ये टोटल फॉर्म्स इंडियन बच्चों को या यहाँ आने वाले आपके यहाँ सीखने वाले लोगों को नहीं सिखाते, सिर्फ उनके ज़रूरत के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल सिखाते हैं, यानी कि नहीं, अच्छा। सिखाते हैं, बट उसकी इंटेंसिटी, जैसे अगर हम ये 2 घंटा करते हैं तो उनको 2-3 मिनट कराते हैं, लेकिन उनमें से कोई आके हमसे बोलता नहीं हमको इंस्ट्रक्टर बनना है, हमको सीखना है ऑथेंटिक शाओलिन सीखना है, तो उसको हम फिर उस हिसाब से ग्रूम करते हैं। आप क्या प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं शाओलिन के? शाओलिन के प्रॉस्पेक्ट्स ये दैट द स्टूडेंट शुड बी ऑनेस्ट, कमिटेड, काम, बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हिज पर्पस ऑफ लर्निंग शुड बी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, टू हेल्प अदर पीपल एंड टू सेव हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ। एग्रेशन मोड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। हमने आपको मिलवाया देश के पहले शाओलिन वॉरियर शिफू कनिष्क शर्मा से। अपनी एक अलग पहचान बनाकर कनिष्क ने ये साबित किया कि मन में हुई चाह के प्रति सच्ची लगन हो तो किसी भी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं है। आइए अब आपको मिलवाते हैं शिफू कनिष्क के एक डिवोटेड स्टूडेंट से, जो चाइना के शाओलिन टेम्पल जाकर तो शाओलिन सीख नहीं पाए लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शाओलिन को ही समर्पित किया है। शिफू कनिष्क से ट्रेनिंग लेकर। परीक्षित काफले। क्या करते हैं आप? मैं शाओलिन का इंस्ट्रक्टर। इसके अलावा क्या करते हैं आप? मैं फुल टाइम शाओलिन करता हूँ। कब से कर रहे हैं आप? मैं अभी 3.5 साल होने लगा है। कहाँ रहते हैं? मैं अभी यहीं रहता हूँ पास में, बट आई एम फ्रॉम आसाम। सो मैं शिफू कनिष्क के अंदर ही डिसाइपल हूँ, वो मेरे गुरु हैं, तो मैं यहाँ अभी इंस्ट्रक्टर हूँ। आपको सीख कर क्या फ़ायदा नज़र आता है? मुझे तो मेरी तो ये अब बचपन से शौक था कि लाइफ में शाओलिन करूँगा, मंक बनूँगा। तो इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ है, बूढ़ों के लिए कुछ है, तो स्ट्रीट सर्वाइवल और लड़कियों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा शाओलिन में, ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास के लोगों के लिए है, एवरीवन हैज़ गॉट समथिंग इन शाओलिन। आपको सीख कर और जब आपने नहीं सीखा था उससे पहले आपके पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए हैं? बहुत कॉन्फिडेंट लाइक और व्हाट? या बहुत सारे कॉन्फिडेंस आए हैं, जैसे कि पहले जैसे मैं बचपन में जैसे मार्शल आर्ट नहीं करता था तब कहीं भी जाने से डर लगता था, अजनबी लोगों से भी डर लगता था, लेकिन अब एक कॉन्फिडेंट आया है कि मैं अपने आप को एक शाओलिनिस्ट की तरह वो कर सकता हूँ, कहीं भी किसी भी खतरा या किसी भी किस्म के डेंजरस या फिर अनडेंजरस सिचुएशन से खुद को वो कर सकता हूँ या बचा सकता हूँ। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आदमी काम हो जाता है आदमी में, जैसे कि पहले मैं बहुत घबरा जाता था, छोटी छोटी बातों में परेशान रहता था, अभी मुझे कुछ वैसा फीलिंग नहीं होता है, आई एम वेरी वेरी काम। तो मेडिटेशन भी होता है ना इसीलिए। तो ये थे शिफू कनिष्क के ट्रेन इंस्ट्रक्टर, जो शिफू कनिष्क से ट्रेनिंग लेकर उनके ही संस्थान में आने वाले बच्चों और दूसरे लोगों को शाओलिन के सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं।
अब मिलते हैं यहाँ आने वाले बच्चे से। Where do you study? DPS. In which class? 2A. 2A. क्या किया अभी अभी आपने? लिंकन्ट्रेन. किसे सीखते हो आप? तरीके से. और कब से सीख रहे हो? Five months. मजा आ रहा है सीखने में? हाँ. क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? Forms. क्या बनना है आपको बड़े होके? फाइटर. किसने बताया? मम्मी ने बताया सिखाने के लिए? पापा. पापा ने बोला? क्या बोला पापा ने? जाओ बेटा फाइटर बनो. क्या बोला पापा ने? कमांडो. कमांडो बनना है? अरे वाह, वेरी गुड. ये है हमारे साथ नन्हे कमांडो, जो आने वाले दिनों में देश की रक्षा करेंगे. एपिसोड में बस इतना ही. जैसा कि प्रोग्राम के दौरान शिपु कनिष्ठ ने बताया कि शाओलिन के सेल्फ डिफेंस टैक्टिक्स को वो महिलाओं, एग्जीक्यूटिव्स, पुलिस, मिलिट्री, एसपीजी कमांडोज और बॉलीवुड के स्टार्स को भी सिखाते हैं. आगे के एपिसोड्स में मैं आपको इन सब की ट्रेनिंग के डिटेल्स बताऊंगी और उनके कुछ अंश भी दिखाऊंगी. आप इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी. नमस्कार.